चुनाव प्रचार के बीच एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने चीन का मुद्दा उठाकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। ओवैसी ने आरोप लगाए हैं कि चीन घुसपैठ करके बैठा है, लेकिन सरकार इस मामले में चुप्पी साधे बैठी है। बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए ओवैसी पूरा दम लगाने का दावा कर रहे हैं। अपनी सभी चुनावी सभाओं में वो बीजेपी सरकार की नीतियों पर निशाना साध रहे हैं, साथ ही 400 पार के नारे पर भी सवाल उठा रहे हैं। इस बीच ओवैसी ने चीन के मुद्दे पर भी सरकार और पीएम मोदी पर हमला बोला है। नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि 56 इंच का सीना, अरे झूठ बोल रहे। चाइना हमारी जमीन में घुसकर बैठा है 2000 स्क्वायर किलोमीटर। ओवैसी ने चीन की घुसपैठ का हवाला देकर सरकार को घेरने की कोशिश की। ओवैसी ने दावा किया कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है, लेकिन सरकार उस पर चुप्पी साधे बैठी है। ओवैसी ने आरोप लगाया कि एक तरफ चीन घुसपैठ कर रहा है और दूसरी तरफ केंद्र सरकार चीन के साथ लगातार व्यापार बढ़ा रही है। 4 साल से चीन कब्जा करके बैठा है, निकलने का नाम नहीं ले रहा है। सिर्फ बातचीत हो रही है, 18 राउंड की बातचीत चीन सुनने तैयार नहीं है। बिलियंस ऑफ डॉलर का चीन सामान भारत को इंपोर्ट कर रहा है हमारी जमीन पर कब्जा करके, ये देश का हाल है। तो बिल्कुल देखिए, एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने चीन के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी को घेरा है और उन्होंने कहा है कि चीन घुसपैठ कर बैठा है, लेकिन सरकार इस ओर कुछ नहीं कर रही।